पहले यहाँ ना चड़स हुआ करती थी, चड़स मतलब यहाँ से चड़स निकलते थे, चड़स जाते थे और फिर बाद में पानी निकलता था। पुराने जमाने में चड़स से खेती होती थी। ये सब माल रखे हैं, सब माल रखे, इसने ही माल रखी है। गाइस देखो कितने बड़े बड़े बोर। अगर गाइस राजस्थान में आप आते हो ना। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक शिव पांडे व्लॉग। और आज सुबह सुबह पंडित जी हमारे घर पे आए हैं, आपका अभिनंदन, आभार, राधे राधे। तो पंडित जी आज कहीं जा रहे थे तो सुबह सुबह हमसे मिलने आ गए, और मैं निकल रहा था भिलवाड़े के लिए तो इनसे मिलना हुआ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे कुल के पंडित जी है, कुल के मतलब हमारे परिवार के पंडित जी है। कितना बढ़िया लगता है इनसे मिलके। क्यों पंडित जी, बहुत बढ़िया बात। आपको भी लगता है अच्छा? हमारे को भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। तो गाइस ये भैया मिले आज हमसे, बहुत अच्छा लगा हमको भी। कहीं पे भी आपको हमन शांति वगैरह करानी हो तो ये हमारे आ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर लेना, ही आ जाएंगे। तो पंडित जी भी निकल रहे हैं अभी इनके गांव, तो और मैं भी निकल रहा हूँ भिलवाड़ा के लिए। चलो, अरे गाड़ी को बस गई तेरी, गाड़ी को छोड़ा छोटा छोटा। तो अभी भरवा लेते हैं पेट्रोल, 108 रुपये लीटर है अभी भाई साहब। गाइस पहुंच चुके हैं भिलवाड़ा। सबसे पहले अपना फोन ठीक कर लेते हैं, एक फोन है अपने पास। हाँ कदरा मोह ठीक है, कसो कसो ठीक है, देख ले। हाँ फोन तो मिलेगा एक घंटे बाद, तब तक जाके अपना मार्केट में काम करते हैं। और मेरे को क्या क्या लेना है, पहले तो सीड्स लेने हैं, बीज वगैरह, ज्वार का बीज, बाकी फल सब्जियों के बीज लेंगे। चलो तो ये देख लो, ये बीज है अजीत, देख दो, एक ये ग्वार का बीज है और ये धनी का बीज है। ज्वार का बीज बहुत महंगा है, ले नहीं रहे हम, और इनकी गारंटी है कि ये 45 दिन में टूटेंगे। सब गारंटी मुंह बताऊं था ना। गाइस ये वाला बीज ले लिया हमने। चलो गाइस अपना सारा काम हो चुका है, अब निकलते हैं वापस घर के लिए। सो गाइस घर पे आ चुके हैं, और ये फोन भी ठीक हो गया बिल्कुल, कितना मस्त फोन है। ये भी वीवो का फोन ही है, ये फोन मतलब मैंने कहीं से बाय किया है। और मेरा जो पहले वाला फ़ोन था ना वो टूटा हुआ है, वो भी वीवो का ही था, सेम टू सेम फ़ोन था, फर्स्ट फ़ोन मेरा लाइफ का जो मैंने 2014 के समथिंग लिया था। 20 का सावा दे दे। बीस को ये सावा हमारे घर में किसी के मंगलवार का व्रत है, इसलिए सावा ज़रूरी है खाने के लिए, क्योंकि मंगलवार को जो लोग व्रत करते हैं ना उनको कुछ खाना नहीं चाहिए। हकीकत बात तो यही है, निराल रहना चाहिए, निराल। तो वह ना बिल्कुल निराल रहना चाहिए, हकीकत खाना पड़े नहीं, निर्जल है ना, न जल और न आग, बिल्कुल न जूड़ और न जाड़, दोनों कुछ नहीं चाहिए, सुपर तोड़ना पड़ेगा। हाँ और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मेरे गांव में, मेरे मतलब सबसे कामदार आदमी से मिलने। जो कामदार आदमी होता है ना, मेरा कामदार आदमी कौन है उससे मिलने जा रहा हूँ। सो गाइस हमें अपना खास आदमी तो मिला नहीं, वो तो खेत में चला गया। और ये कौन है देखो, ये हमारा देवा महाराज फोइटा भर रहा है। ले ऊंच और हट जाए हट जाए। अरे गी मार तो फोइटा ही प्लेट ही फ्री जाती। सो गाइस देवा तो फोइटा भर रहा है और मैं जा रहा हूँ अपने खास आदमी से मिलने खेत पे। चलते हैं, और अपना गमछा आपको पता है ये फेमस है, मेरा फेमस गमछा भगवाधारी पहन के चलते हैं। कृष्णा जी आ गए हम भिलवाड़ा से। जय श्री राम, क्या हाल चाल आपके? बस एकदम मस्त। चलो हम जाके आते हैं ना, चाबी किधर गई रे? अरे चाबी अंदर है एक तो। चलो गाइस चलते हैं। और आज जो मैं सीड्स लेके आया था ना सारे, उनको मतलब खेत में बोना है इसलिए उससे बात करनी है। चलो तो गाइस ये आ चुके हैं हमारे खास आदमी खिलास जी, मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ खेत भी आ गया। अरे ये देख लो खेती है, इधर है नारायण के है। हाँ ये सब माल रखी है, सब माल रखी है, इसने ही माल रखी है। और यहाँ पानी जा रहा है मोटर में, वो जा रहा है पाइप जा रहा है, देखो आप बढ़िया हो। हाँ ये महाराज हमारे खेती करने में एक नंबर आदमी है, इसलिए इनकी मतलब दिल में जगह बनती है। गाय अब चलते हैं मिलने अपने सेठ जी से, और इनके फार्मिंग देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने इंस्टाग्राम पर काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स डाले हैं, मिनी व्लॉग्स, और जाके देख लेना शिव पांडे 7703। खिलाड़ी चलते हैं। छाड़ा भी यहाँ चढ़ती है, धान भी नहीं खाती है। फार्म पे छाड़ा चढ़ती है, धान नहीं खाती है, लेकिन ये बीड़ी बहुत पीते हैं यार। बीड़ी के काफ़ी शौकीन है, इसलिए
लेकिन दिल के पास होते हैं, टाइम पास होते हैं, इनका टाइम पास हो जाता है बीड़ी से। और बाकी दिल के काफी शौकी नहीं है, छड़ा चल रही है इनकी यहाँ पे देखो, हाँ ये फार्म में इनकी छड़ा चल रही है, इधर धान खड़ा है, इधर ये छड़े छड़े ये यहाँ पे वो खेत पे सोने का सिस्टम बना रखा, देखो इधर ही सोते हैं, मतलब टपरी डाल रखी है और खाट बिछा रखी है, रात को इधर सोने का सिस्टम देखो। और बाप रे बोर कितने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं देखो, बिल्कुल लाल लाल बोर है यार, ये राजस्थान की मिठास है भैया। गाइस देखो कितने बढ़िया बढ़िया बोर है, और बाप रे बोर दो बोर ही लिए मैंने, दो बोर ही लिए तो क्यों काट रहा है मेरे को, है ना जो बोर की कट्टे रहते ना कट्टे वो पैरों में बहुत चुभते हैं। और बाकी देखो कितने इतने बढ़िया बोर आ रहे हैं यार, मेरा तो मन कर रहा है इधर ही बैठ जाऊँ बोर खाऊँ बस, ये वाले ये ऊपर से फेंक दिया मेरे ऊपर, मेरे ऊपर क्यों फेंक रही है भाई, दो बोर ही लिया मैंने। अगर गाइस राजस्थान में आप आते हो ना, ऐसे बोर आपको काफ़ी मिल जाएंगे खेतों में। ये देखो ये चटनी के लिए बना रखा है, इससे गाय भैंस अंदर नहीं जाएंगी, डायरेक्ट यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ बना रखी है। चलो काफ़ी शेर हो गई खेतों की, ये पानी जा रहा है देखो, कुएं से डायरेक्ट पानी निकल रहा है। पहले यहाँ ना चड़स हुआ करते थे, चड़स मतलब यहाँ से चड़स निकलते थे, चड़स जाते थे और फिर बाद में पानी निकलता था, पुराने ज़माने में चड़स से खेती होती थी। ये रही अपनी गाड़ी, चलो सो गाइस घर पे आ चुके हैं और अभी फिलहाल रेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि सुबह मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी सुबह। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब कर देना।